जय येसु, प्रभु येसु के सामर्थ्यवान नाम पे और एक बार मैं आपका अभिवादन करता हूँ। 22वां दिन है हमारे इस बाइबल तीर्थ यात्रा के। मैं आप सभी लोगों का और एक बार स्वागत करता हूँ और सोचता हूँ कि आप सभी लोग वचन पढ़ने के जो फैसला ली है उसको ईमानदारी से पूरा करते जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ हर मिसा में, हर दिन, कि आप सभी लोग जो ईमानदारी दिखाते हैं वे सब बड़े बड़े चमत्कार देखें, और मैं वादा करता हूँ ऐसा ही होगा। आमीन। आज उत्पत्ति ग्रंथ के 2 अध्याय हमें पढ़ना था, 44 and 44, 43 and 44, 43 and 44। यूसुफ को हम जितना यूसुफ के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना ज्यादा उनसे हमारा प्यार हो जाता है। हमारे तरह एक इंसान कितना प्यारा है, बहुत ही रियल इंसान है। हमारी तरह दुख, तकलीफ और आंसू देखिए। आज वचन 30, अपने भाई को देखे यूसुफ का हृदय द्रवित हो उठा। 13 साल के बाद देख रहा था वो, जल्दी बाहर जाकर एकांत में रोने लगा, फुट फुट कर रोया होगा। प्रियजनों, रोने को कुछ आदमी लोग सोचता है गलत है, और है आदमी लोग नहीं रोता है, ये कुछ औरत लोग रोएगा या बच्चे रोएगा, हम बच्चे थोड़ी है कि हम नहीं रोएगा, ऐसा सोचता है। प्रियजनों, दिल को कठोर नहीं बनाना, पत्थर जैसे नहीं बनाना, रोना अच्छा है। आध्यात्मिक जीवन में रोने को बहुत बड़ा महत्व भी है। प्रार्थना में रोना है, हमारे अंदर के वास्तविकता को प्रकट करना अच्छा है। यीशु भी रोया था, और बाइबल हमें बताते हैं इस दुनिया में यीशु जब रहता था वो रो रो कर भी प्रार्थना किया था, रो रो के प्रार्थना करता था करके इब्रानियों के अध्याय 5 में हम एक जगह में इस तरह पढ़ते हैं कि मसीह ने, वचन 7 अध्याय 5:7, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनन्य विनय की। इसलिए आंसू बहा बहा के प्रार्थना भी करता था। इसलिए आंसू बहाना कभी एक छोटी बात है नहीं सोचना, बहुत अच्छी बात है। इसलिए प्रियजनों, तो मैं यूसुफ के बारे में बता रहा था, वो हमारे ही तरह एक इंसान था, लेकिन प्रभु इनको कैसे इस्तेमाल किया, हमको भी इस्तेमाल करेगा। एक ईमानदारी प्रभु के साथ, उनके वचन के साथ ईमानदारी, चाहे कितने भी तकलीफ हो उसके बावजूद प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा। पहला संदेश, हालेलुया। अब हम 44वां अध्याय में, 44th chapter पे 2 जगह में यूसुफ के बारे में ये बताते हैं। वहां पर वो घटना है यूसुफ का प्याला, आपने जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आएगा, मैं इसलिए पूरा घटना नहीं बताता हूँ। तो वो प्याला जो बाद में बेंजामिन के, जो अपने छोटा भाई है यूसुफ का, उनके उसको हिंदी में बेन्यामिन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बेंजामिन बोलते हैं, तो बेन्यामिन के थैली से निकाला गया था, यूसुफ ने ही रखवाया था। और उसके विषय में ये बताया है वचन 5, ये मेरे स्वामी के पीने का प्याला है, इससे वो सगुन विचारते हैं, तुमने जो किया वो बुरा है। और 15वां वचन, उधर यूसुफ पूछता है, यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने क्यों किया, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि मेरे जैसा व्यक्ति सगुन विचारता है। इसका मतलब क्या है कि सगुन विचारना जो है ये तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीज है, वो पाप है। तो क्या
यूसुफ सद्गुण विचारता है? कदापि नहीं। फिर इधर क्यों बोलता है? देखिए, मिस्र देश में यूसुफ के बारे में लोग क्या सोचते थे, उन लोगों को मतलब मिस्रियों को ईश्वर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसराइल का ईश्वर कौन है। जब यूसुफ ने राजा के पूरे अंतरतम के रहस्य को प्रकट किया, यानी यो राजा के सपने की व्याख्या किया और व्याख्या के अनुसार घटनाएं होने लगी, तो लोग सब ये बताने लगे यूसुफ सगुन विचारता है, इसलिए उनको भविष्य की सारी बातें पता चलता है। इसलिए लोगों के बीच में ये कहना था कि यूसुफ ऐसा करता होगा, इसको इंग्लिश में डिविनेशन बोलता है, इसलिए उनको सारे बातें पता चलता है, इसलिए सब लोग उनसे डरते भी थे। तो उस बात को मजाक के रूप में अपने भाइयों से ये बताते हैं, देखिए अब तक यूसुफ वास्तव में कौन है करके भाइयों में प्रकट नहीं किया था, ये सच में अपने को यहां पर यानी मिस्रियों के बीच में उनके गवर्नर की तरह उनके अधिकारी के रूप में ही अपने भाइयों के सामने प्रस्तुत कर रहे। इसलिए इस बात को कि सगुन विचारने की बात को वो हंसी मजाक के रूप में ही प्रस्तुत करता है, ना कि सच में वो सगुन विचारता है, इसलिए कभी ये नहीं सोचना। हालेलुया। आगे हम कहते हैं यूदा किस तरह अपने पापा की बातें यूसुफ को सुनाते हैं, अपने पिता कौन है याकूब, तो याकूब को किस तरह बेटा यूसुफ नष्ट हो गया था, जिसके कारण वो कितने व्यथित है, कितने साल तक दुखी रहा है, अभी भी वो बहुत दुखी है, और एक भाई नष्ट हो गया तो जरूर दुख में मर जाएगा, ये बातें सब बताते हैं। तो मुझे लगा एक बात जरूर आपको याद दिलाने, पहले भी मैंने याद दिलाया था, इस वचन प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 11 वचन 16 फिर से मैं लेके आता हूँ, ये बार बार मैं लेके आऊंगा, क्योंकि वचन में इससे जुड़ी हुई काफी चीजें प्रभु हम पर प्रकट करेगा। उसमें लिखा है जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगा। देखिए याकूब को 12 बच्चों में एक से जरूरत से ज्यादा लगाव थी, वो लगाव यूसुफ के प्रति है, पहले हम देखे हैं वचन में। इसलिए जरूरत से ज्यादा एक व्यक्ति को जब प्यार करता है, बाकी लोगों से ज्यादा प्यार किया, उसी व्यक्ति के द्वारा उनको दर्द मिला, मतलब यूसुफ नष्ट हो गया, उनके पास से अलग हो गया, और उसने सोचा, याकूब ने सोचा सच में मेरा बेटा मर गया, जिसके चलते इनको कितना सहना पड़ा, पिछले 13 साल से वो दुख झेल रहा है। इसलिए एक बात वचन के द्वारा प्रभु क्या समझाना चाहता है, यदि आप किसी पे जरूरत से ज्यादा लगाव रखेगा उनके द्वारा आपको दुख सहना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहता है डरते कामते हुए ही आनंद मनाना, सावधान होकर आनंद मनाओ, सावधान होकर आनंद मनाओ। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 2 में है, शायद हमें पढ़ने को मिलेगा, बाद में भी हम उसको प्रकट करेगा, उसमें लिखा है सावधान होकर आनंद मनाना और डरते हम कामते हुए प्रभु की सेवा करना। अध्याय 2 वचन 11, डरते कामते हुए प्रभु की सेवा करो, सावधान होकर आनंद मनाओ, मतलब आनंद मनाने में सावधानी बनानी चाहिए। हालेलुया। अभी हम अय्यूब के अध्याय 22 में आते हैं, वहां पर मैं 3 वचन आपको थोड़ा सम्मानन के लिए दूंगा, वो है वचन 24 से, अध्याय 22 22 वचन 24 से, यदि तुम अपना सोना धूल जैसा, ओफिर का सोना नदी के पत्थर जैसे समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने चांदी का ढेर बन जाएगा, तब तुम सर्वशक्तिमान को अपना सर्वोत्तम आनंद मानोगे और ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, यदि तुम अपने सोने को धूल जैसा समझोगे, ओफिर के शुद्ध सोना को नदी के पत्थर जैसे समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोना चांदी का ढेर बन जाएगा। इसका मतलब यदि आपके जीवन में ऐसे कोई चीज है जिसको आप सोना समझता है, मतलब सोने का मतलब है सबसे कीमती चीज, जरूर से ज्यादा लगाव यदि किसी चीज पे है, ध्यान से सुनना, आपको मान लीजिए अपनी संपत्ति पे ज्यादा लगाव है, मतलब उसके लिए तो जीता होगा,
प्रार्थना से ज्यादा, प्रभु से ज्यादा, वचन से ज्यादा आपको किसी अन्य चीज पे महत्व देना पड़ता है। मतलब आप महत्व देते होंगे या आपकी पढ़ाई पे, या आपकी पैसे पे, या आपके बच्चों पे, या आपकी सुंदरता पे, आपकी तबीयत पे आपको जरूर से ज्यादा लगाव हो, वो आपके लिए सोना चांदी बन जाता है। प्रभु कहता है तुम्हारे सोने चांदी को धूल जैसा समझो, नदी के पत्थर जैसा समझो, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोना चांदी का ढेर बन जाएगा। मतलब प्रभु में आनंद मनाना चाहिए, प्रभु को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, प्रायोरिटी प्रभु को, आध्यात्मिकता को, प्रभु के वचन को देना। किस बात को आपके जीवन में ज्यादा महत्व देता है? पढ़ाई को देते हैं या काम को देते हैं, बच्चों को देते हैं, प्रार्थना और वचन ये सब कभी होता होगा, लेकिन पहला स्थान शायद नहीं दिया होगा। प्रभु को हल्का नहीं समझना, देता है तो बढ़िया देना, नहीं तो नहीं देना। प्रभु को अपना वेस्ट नहीं देना, मतलब जूठन नहीं खिलाना। कुछ लोग प्रार्थना वगैरह को ठेल के लास्ट में लेकर जाता है, बाकी सारे काम को आगे आगे लेके आता है। वचन पढ़ना, हाँ वो कल भी कर सकता है, बाकी मैसेज वगैरह चेक करना और भेजना और टीवी देखना या मोबाइल पे कुछ वीडियो देखना, ये सब शायद पहले पहले आगे आगे रखा होगा। इस तरह प्रभु को हल्का समझेगा तो आप प्रभु के आनंद को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि तुम सोने को धूल जैसा समझोगे, जीवन के शुद्ध सोना किसी चीज, ओफिर का सोना जैसा किसी चीज को समझता है, उसको पत्थर जैसे समझोगे, तो सर्वशक्तिमान सोना चांदी का ढेर बन जाएगा। तब तुम सर्वशक्तिमान को अपना सर्वोत्तम आनंद मानो। ही बिकम्स द सोर्स ऑफ योर जॉय। प्रभु में आनंद मनाओ, वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। स्तोत्र संज्ञा 37 वचन 4। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड, इसी को ईश्वर के राज्य का अनुभव कहता है। ईश्वर का राज्य आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद है। तब तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे, वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा। प्रार्थना स्वीकार करेगा, तुम कुछ प्रार्थना करोगे, उत्तर मिलेगा। कब? जब प्रभु आपके लिए सबसे बड़ा आनंद का स्रोत, प्रभु में आनंद मनाना सीखा, हमेशा खुश रहेगा वो व्यक्ति। हालेलुया। तब क्या होगा? तब तुम उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी कर सकोगे। अब समझ में आया, मन्नतें तो हम मानिए। उदाहरण के लिए आप बाइबल पढ़ेंगे, एक साल कंप्लीट करेगा, शुरू किया, आज केवल 22 दिन हो गया, उसके पहले 50 लोग नीचे गिर गया, मतलब छोड़ दिया। प्रियजनों, आप भी छोड़ के नहीं जाएंगे। मन्नतें प्रभु की ओर पूरा करना हो, आपने जो मन्नतें मानी उसको पूरा करना हो, आपको कुछ चीजों को अलग करना होगा, प्रभु को पहला स्थान देना होगा, प्रभु में आनंद मनाने का कार्य करना होगा। तब क्या होगा? प्रार्थना स्वीकार करेगा। और अगला वचन, तब तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होगी। यू विल डिसाइड ऑन ए मैटर, इट विल बी डन फॉर यू। इंग्लिश में ऐसा है, मतलब आपकी योजना पूरी होगी। आज क्या हमने कभी योजना बनाई? कुछ भी समय पर कुछ नहीं पूरा होता है। उधर जाएंगे सोचा, वो करेंगे सोचा, कुछ नहीं हुआ। घर बनाऊंगा सोचा, वो भी नहीं हुआ। पास होंगे वो सोचा था, नहीं मिला। शादी समय पर कराएंगे सोचा था, कुछ नहीं हुआ। समय पर कुछ नहीं होगा। कारण क्या है? प्रभु को पहला स्थान नहीं है, प्रभु में आनंद नहीं मनाता है, अन्य चीजों को बहुत ज्यादा समय देता, महत्व देता है। कब हम सुधरेंगे? आज प्रभु हमको वापस बुला रहे, मुझ पर आनंद मनाना सीखो, पहला स्थान मुझे दे दो, बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब यूं ही दिया जाएगा। इसका मतलब यही है। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 में आए हैं। वहां पर दृष्टांत, स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहा। किस लिए बुला रहे थे? काम कराने के लिए नहीं बुला रहे थे? दंड देने के लिए नहीं बुला रहे थे? किस लिए बुला रहे थे? खाना खाने के लिए बुला रहे थे? आनंद में भाग लेने के लिए बुला रहे थे? राजा ने फिर दूसरे सेवकों को कहते हुए भेजा, अतिथियों से ये कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है, मेरे बैल, मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, आओ। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की, कोई अपने खेत की ओर चला गया,
तो कोई अपना व्यापार देखने को चला गया। समझ में आया? प्रभु से ज्यादा सोना चांदी का ढेर अन्य कई जगहों में था। प्रायोरिटी अपने काम को दिया, बिजनेस को दिया, खेत को दिया। प्रभु पे आनंद मनाने के लिए, प्रभु को आनंद का स्रोत मानने के लिए अच्छा नहीं लगा, बाकी चीजों को अच्छा पाया। इसलिए प्रभु का वचन हम याकूब के अध्याय 4 वचन 4 में ले, अध्याय 4 वचन 4 याकूब के पत्र, उसमें हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो जो संसार का मित्र होना चाहता है ईश्वर का शत्रु बन जाता है। अगर संसार से दोस्ती करेगा प्रभु को प्यार नहीं कर पाएगा। तब क्या हो गया? राजा को बहुत क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। ये क्या है? प्रभु ने सेना भेजी और नगर को जला दिया, लोगों का सर्वनाश होने दिया। इसका मतलब संत अगस्तिन और संत क्रिसोस्तों इन लोग सब बताते हैं, ये प्रभु भविष्यवाणी कर रहे थे यरूशलेम के साथ क्या होगा। यीशु के मृत्यु के बाद 40 साल के बाद वो घटना हुई। वेस्पेसियन और तीतुस, उन लोगों के टाइटस जो बोलता है राजा है, उन लोगों की सेना आके पूरे यरूशलेम को सत्यनाश कर दिया था। तो उसमें लाखों लोग मारे गए। यार कुछ लोग मतलब योसेफुस करके जो इतिहास यहूदियों के इतिहासकार था, उसने लिखा है कि उसमें 11 लाख यहूदी मारे गए और पूरा नगर बर्बाद हो गया था। वास्तव में यह सब इसलिए हुआ भक्ति राहित्य यहूदियों के बीच में। प्रभु के चुने हुए लोगों ने प्रभु को ठुकरा दिया, अन्य कार्य को महत्व दिया, इसलिए ईश्वर का संदर्शन नष्ट हो गया। शत्रु आके घर को नगर को जला दिया। ऐसी विपत्ति उन लोगों के साथ होती है जो प्रभु के कार्यों में उत्साह नहीं दिखाता है। इसलिए वचन कहता है, श्रापित है वो जो प्रभु के कार्यों में शिथिलता दिखाते हैं। हालेलुया। इसी अध्याय में अध्याय 22 वचन 10 में हम पढ़ते हैं, तब सेवक सड़कों पर गए, भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए। विवाह मंडप अतिथियों से भर गया, भले बुरे सबको लेके आया। मतलब अब हमको याद आनी चाहिए, यीशु ने पहले कहा था, यहूदियों से कह रहा था, तुमसे पहले वेश्याए और नाकेदार पापी लोग प्रभु के राज्य में, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो अगला है वो सब पिछला हो जाएगा, जो पीछे है आगे आ जाएगा। इसका मतलब यही है, चुने हुए लोग यहूदी लोग अन्य कार्यों में व्यस्त रहे, इसलिए ईश्वर के राज्य में अब सभी लोगों का निमंत्रण मिला है। केवल ईसाई लोगों को केवल स्वर्ग राज्य मिलेगा ये नहीं सोचना, समस्त जातियों को, चाहे कितने भी गंदगी पे आज पड़े हुए क्यों ना हो, सभी लोगों को प्रभु किसी न किसी तरीके से यहां पर लेके आने का निमंत्रण किसी के द्वारा भेजेगा और पहुंचाएगा और उन लोगों को लेके आएगा। ये पिता की इच्छा है, अब विवाह भोज में सभी लोग आवे। इसलिए किसी को तुच्छ नहीं समझना, चाहे कोई भी जाति हो, किसी भी देश के हो, किसी को सांसारिक बोल के तुच्छ नहीं समझना, क्योंकि हमसे पहले ये सांसारिक लोग अंदर जा सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, डरते कामते हुए सेवा करना, सावधान होकर आनंद मनाना, प्रभु को पहला स्थान देना। हालेलुया। वचन 11, राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पे पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। बाद में इसके हाथ पैर बांध कर उसे बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे, दांत पीसते रहेंगे। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? विवाहोत्सव के वस्त्र फिर कैसे अंदर आया? लेकिन राजा देखते समय
कपड़ा नहीं था इनका, विवाहोत्सव के वस्त्र। संत अगस्तीन हमको बताते हैं ये वस्त्र क्या है, ये वस्त्र प्यार का वस्त्र है। और वो बताते हैं विश्वास के कारण, विश्वास एक निमंत्रण है जिसके चलते आप विवाहोत्सव में आए हैं, लेकिन विश्वास केवल काफी नहीं है जो बचने के लिए, बचाए जाने के लिए विश्वास केवल काफी नहीं है। तब जाके हमको समझ में आता है याकूब क्या क्या हमको बताए हैं। संत याकूब के पत्र में अध्याय दो में दो तीन जगह में हम देखते हैं इसी तरह कर्म के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है उसी तरह कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। अध्याय दो वचन 17 में वचन 26 में एक ही बात लिखे हुए हैं। इसलिए वचन 5 में याकूब हमसे पूछते प्यारे भाइयों सुन ले, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र है जिससे वे विश्वास के धनी हो जाए और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है? तब भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया है। धर्मग्रंथ कहता है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं, संहिता के अनुसार दोषी है। इसलिए प्रियजनों आज सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में भी इसी अध्याय में प्रभु हमको समझाते हैं, वो सबसे बड़ी आज्ञा प्यार है। इसलिए विश्वास केवल काफी नहीं है, प्यार जरूरी। इसलिए संत पौलुस बाद में कुरिन्थियों को लिखे पत्र के 13वां अध्याय में अगर मेरे पास कितना भी दृढ़ विश्वास हो जिसके चलते मैं पहाड़ों को पूरा हटा सकूं, किंतु मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है। इसलिए प्रियजनों वो वस्त्र जो है प्रेम का वस्त्र है, चैरिटी है, इंग्लिश में वो बोलते हैं लव एंड चैरिटी। चैरिटी मीन्स यू नो प्यार केवल मन में नहीं रखता, प्यार हमको एक्शन के लिए कर्म के लिए उत्साह प्रदान करता है। प्यार का कर्म मतलब प्यार एक फीलिंग केवल नहीं है, प्यार एक क्या है, एक निर्णय, एक फैसला है प्रभु के लिए खड़े रहने का, दूसरों को प्रभु के जैसे प्यार करने का और मेहनत करने का प्रभु के लिए। ये सब प्यार में विश्वास केवल काफी नहीं है। यीशु ईश्वर का पुत्र है हमको मालूम है, लेकिन प्यार का भाव होगा। इसलिए वो वस्त्र जिसके विषय में प्रभु कहते हैं बिना वो वस्त्र का हम अंधकार में दांत पीसते रहेंगे। इसलिए प्रियजनों आज प्रभु हमको संदेश देते हैं, देखिए आपको विश्वास मिले जब हमने बपतिस्मा लिया, हमको एक वस्त्र, एक उजला वस्त्र दिया था और उसको संभाले रखना हमारा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत का नाम है प्यार का कर्म। जब हमारे अंदर प्यार है तब जाके हम पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। प्यार और पवित्रता जुड़ी हुई बात है, जो एक दूसरे को प्यार नहीं करता है वो पवित्रता में कभी बढ़ नहीं सकता है। यदि आप प्यार करेंगे आप पवित्रता का ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि जब आपको मालूम है आपके भाई या बहन जो है या आपके दोस्त जो मित्र हो वो ईश्वर के संतान ही है, उनका शरीर ईश्वर का मंदिर है, जब आप प्रभु के कारण उनको प्यार करेंगे, गलत रीति से उनको ना छुएंगे ना उनके साथ अन्याय करेंगे, ये प्यार का प्रकटन है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों इस वस्त्र को पहने बिना हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं और भरोसे के साथ हम खड़े नहीं रह सकेंगे। इसलिए प्यार से प्रभु हमको भर जाइए, आपके लिए मेरी आज प्रार्थना है और मेरी आशीर्वाद इसलिए इस बात के लिए है कि जो वचन आपने सुना ये वचन आपको ईश्वरीय कार्य के लिए उत्साह प्रदान करे, आपके अंदर जो प्रभु का प्यार है वो दूसरों की ओर आपसे बहने दे, दूसरों के पास पहुंच जाए, आपके कर्म के द्वारा दूसरों पर दया करते हुए उनकी मदद करते हुए प्रभु के पास उनको बुलाते हुए हम इस कर्म को प्रकट करें। ये हमारे वस्त्र है जिसके द्वारा हम प्रभु के सामने
जिसको पहनकर हम प्रभु के सामने भरोसे के साथ खड़े हो पाएंगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जय जैसू।